हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 यहाँ से जेपीएससी पेपर वन में दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। जेपीएससी पेपर वन में दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। एक छोटा सा वीडियो आप सभी को चार मार्क्स आसानी से दिला सकेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि एक पॉइंट मिस हो गया तो हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ दे। इसलिए एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही टारगेटपुर का जो पेपर वन और पेपर टू का, पेपर वन का संक्षिप्त नोट्स और पेपर टू का कंप्लीट नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक चीज और, पेपर टू का 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पेपर टू का 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज किसी को चाहिए तो वही व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट नोट्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, याद रखिएगा, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में है, के द्वारा जारी किया जाता है फॉरेस्ट रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1981 में हुआ। जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है 1981 में स्थापना हुआ, प्रत्येक दो वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है। 1987 से लगातार प्रत्येक दो वर्ष में रिपोर्ट जारी कर रहा है। तो आप लोग को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग कि 2019 में जो रिपोर्ट आया है वो केवा होगा। देखिए, यह जो रिपोर्ट आया 16वीं रिपोर्ट है। कौन रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है। 2019 का जो वन रिपोर्ट आया है 16वीं रिपोर्ट है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत हिस्सों पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया, 1988, याद रखिएगा। इसके अनुसार कितने प्रतिशत हिस्सों पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? तो 33% है, 33%, याद रखिएगा, कितना है, 33%। चलिए आगे देखते हैं। 2019 को जो वन रिपोर्ट आया, फॉरेस्ट रिपोर्ट, आप लोग को बताइए, 16वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है, 16वीं वन रिपोर्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस वन रिपोर्ट में देखिए, इस वन रिपोर्ट में वन के प्रकार एवं जैव विविधता, वन के प्रकार एवं जैव विविधता, इस लाइन को याद रखिएगा, वन के प्रकार एवं जैव विविधता अध्याय को जोड़ा गया, एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या नाम है? वन के प्रकार एवं जैव विविधता। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इसका आकलन चैंपियन एवं श्रेष्ठ वर्गीकरण के माध्यम से किया गया। अब चैंपियन एवं श्रेष्ठ वर्गीकरण क्या है? देखिए, वन के प्रकार एवं जैव विविधता अध्याय तो जोड़ा गया, लेकिन इसका वर्गीकरण जो किया गया चैंपियन एवं श्रेष्ठ वर्गीकरण के माध्यम से किया गया। अब समझेंगे चैंपियन एवं श्रेष्ठ वर्गीकरण है क्या। देखिए, चैंपियन और श्रेष्ठ, चैंपियन किसी व्यक्ति का नाम है। वर्ष 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत के वनस्पति का वर्गीकरण किया था। सर्वाधिक मान्य 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत के वनस्पति का वर्गीकरण किया था। इस वर्गीकरण में वनों को 16 वर्गों में बांटा था और 221 उपवर्गों में बांटा गया था, याद रखिएगा, 16 वर्ग और 221 उपवर्गों में बांटा गया था। देखिए, इस वन रिपोर्ट को तैयार करने में, इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को तैयार करने में एक उपग्रह का उपयोग किया गया जिसका नाम है रिसोर्ट टू। देखिए, क्या नाम है? रिसोर्ट टू। और इस उपग्रह में एक उपकरण लगा था, उसका नाम है LISS। देखिए, LISS लिस, तो इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, लीनियर इमेजिनरी सैटेलाइट सिस्टम लगा हुआ था। किसमें? रिसोर्ट टू में। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके अभी मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट पेश किया। 2019 का जो रिपोर्ट किसने पेश किया? प्रकाश जावड़ेकर ने। कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री। चलिए आगे देखिए। पिछले दो साल में, पिछला रिपोर्ट आया था 2017 में, एक चीज़ याद रखिएगा, पिछला जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2017 में, तो पिछले दो साल में भारत का जो वन क्षेत्रफल है 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? देखिए, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है तो याद रखिएगा 80-72-76, आसानी से याद रहेगा, 80-72-76 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.56% है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, 2017 की तुलना में
2017 की तुलना में कितना प्रतिशत वन बढ़ोतरी हुई। देखिए 2017 की तुलना में कितना प्रतिशत पूछा गया है, तो देखिए हम लोग अभी देखे वर्ग किलोमीटर में 5186, लेकिन परसेंट में जब बात करेंगे तो 0.65%, याद रखिएगा 0.65%। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, यहाँ एक वनाच्छादित और वृक्षाच्छादित दो वर्ड याद रखिएगा। देखिए एक है वनाच्छादित वन आच्छादन और दूसरा वृक्षाच्छादन, तो ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वनाच्छादित, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो परसेंटेज में वृद्धि हुआ है 2017 में जो आया था उसके तुलना में 2019 में जो आया, तो परसेंटेज में वृद्धि है 0.56%। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना है। देखिए परसेंटेज में ज़्यादा पूछा जाता है तो परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं याद रखते फिर भी चलेगा, लेकिन आप सिंसियर स्टूडेंट है तो किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है परसेंटेज में 0.56%। और वृक्षाच्छादित, देखिए वृक्षाच्छादन क्षेत्रफल में 2017 के तुलना में कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो 1.29, देखिए 1.29% की वृद्धि हुई। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट किया जाता है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड का यूज हुआ है, पहला है वनाच्छादित जिसे हम लोग वनावरण भी कहते हैं, दूसरा है वृक्षाच्छादित जिसे हम लोग वृक्षावरण भी कहते हैं। समझिए दोनों जो दोनों वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृक्षाच्छादित या तो वृक्षावरण। देखिए वृक्षावरण क्या होता है, मान लीजिए एक वृक्ष है, यह वृक्ष द्वारा, देखिए इस वृक्ष द्वारा कितना भाग जमीन का कितना भाग कवर किया गया, देखिए इतना भाग कवर किया गया, तो इसे हम लोग वृक्षावरण के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग वृक्षावरण के नाम से जानते हैं। समझिए वृक्षावरण में किसे यहाँ पर काउंट किया गया। और दूसरा देखिए वनाच्छादित क्षेत्र जिसे हम लोग वनावरण कहते हैं। वनावरण क्या है, यह कैनोपी डेंसिटी को दर्शाता है। सिंपल शब्दों में समझिए, मान लीजिए एक हेक्टेयर का जमीन है, देखिए एक हेक्टेयर का जमीन है और इस जमीन में वन है, इस जमीन में जंगल है और इस जंगल में जितने सारे पेड़ पौधे हैं उसके द्वारा जो वायुमंडल का घनत्व है, जो वायुमंडल का घनत्व है उसका कम से कम 10% हिस्सा कवर किया हो, जो एक हेक्टेयर भाग में जो वृक्ष लगाए जो जंगल है उसके द्वारा जो वायुमंडल का जो ऊपर का एरिया है 10% भाग, ऊपर का जो वायुमंडल का घनत्व है उसका 10% इसके द्वारा कवर किया गया, उसे इसमें काउंट किया गया। तो समझिए चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में वनावरण कितना प्रतिशत है, देखिए वनाच्छादित का ही दूसरा नाम है वनावरण, याद रखिएगा वनाच्छादित का दूसरा नाम है वनावरण। तो भारत में वनावरण कितना प्रतिशत है, देखिए 21.67 परसेंटेज को जरूर याद रखिएगा। भारत में वनावरण कितना परसेंट है, तो 21.67%, जो 712,249 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए वृक्षावरण, देखिए वृक्षावरण कितना है, 2.89%, जो 95,087 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य, यहाँ पर बोला गया वनावरण न कि वन क्षेत्रफल बोला गया। देखिए भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, मिजोरम 85.41%, अरुणाचल प्रदेश 79.63% और मेघालय 76.33%। देखिए भारत में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य पंजाब और हरियाणा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश है, कौन है, मध्य प्रदेश, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में छत्तीसगढ़। याद रखिएगा सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, सेकंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए न्यूनतम वन क्षेत्रफल पूछे तो हरियाणा, सर्वाधिक मध्य प्रदेश। देखिए वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जो राज्य है कर्नाटक आंध्र प्रदेश केरल, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और केरल। बास भूमि पूछा जाए तो 3,229 वर्ग किलोमीटर है। देखिए बास भूमि कितना है, 3,229 वर्ग किलोमीटर। देखिए मैग्रोवन में देखिए 1.10% का वृद्धि हुआ है, 1.10% का वृद्धि हुआ है। और भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है यहाँ पर देखिए 2017 की तुलना में 0.45% वन क्षेत्र की कमी आई है। याद रखिएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2017 की तुलना में 0.45% की
कमी आई है। किसमें? वन क्षेत्रफल में। इसमें अपवाद है, याद रखिएगा, असम और त्रिपुरा को छोड़कर। असम और त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर पूर्वी का इलाका है उसमें 0.45% की कमी आई है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आर एफ ए का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ऐसी भूमि जो किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो। क्या बोला गया? ऐसा भूमि जो किसी सरकारी आदेश या तो सरकारी अधिनियम या नियम के तहत उसे वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो उसे आर एफ ए रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। इसमें देखिए वर्ष 2019 में आर्द्र भूमि को भी शामिल किया गया। वर्ष 2019 में आर एफ ए में आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। आर एफ ए में 0.05% की कमी आई है। आरएफ है रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में 0.05% का कमी आई है। कब? 2000। अभी हम लोग देखे थे भारत में जो मैग्रो वन है उसमें 1.10% का वृद्धि हुआ था, लेकिन किलोमीटर में पूछे तो याद रखिएगा 54 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए जो मैग्रो वन का सर्वाधिक शीर्ष राज्य, गुजरात है, महाराष्ट्र है और ओडिशा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही यदि आप लोग टारगेट पूर का जेपीएससी पेपर वन पेपर टू का किसी भी प्रकार का नोट्स टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आ तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।